गुड मॉर्निंग क्लास फोर। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स एंड लेसन है आपका फिफ्थ एल्गोरिथम। तो इसकी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं और अभी तक हमने इसमें किया है अपना ट्रू फॉल्स इसमें हम कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन इन डिटेल जिसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे। सो ओपन योर कॉपीज एंड बुक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेसन नंबर है आपका 5 एल्गोरिथम एंड पेज नंबर है आपका 66। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। एल्गोरिथम क्या है और वो ज़रूरी क्यों है। तो एल्गोरिथम क्या है आपका, एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपको पता है कि एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सिस्टमेटिकली वे में आपका काम आपका होता है। ठीक है, ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। किसी भी समस्या को आप उसका समाधान करना चाह रहे हैं, कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं, आपके डेली रूटीन, आपका कोई काम है, ठीक है, आप ब्रश करते हैं, आप खाना खाते हैं, तो उसके लिए आप फिर स्कूल जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि सीधा आप उठते हैं और सीधा स्कूल चले जाते हैं या सीधा आप उठे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक हर काम में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, जब हम उनको पूरा करते हैं तभी आप हम हमारा काम क्या होता है, कंप्लीट आपका होता है। तो वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्यों ज़रूरी है, एल्गोरिथम आर असेंशियल टू द वे कंप्यूटर प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर प्रोग्राम कंटेन एल्गोरिथम दैट डिटेल द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अ कंप्यूटर शुड परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब जो एल्गोरिथम है वो आपके कंप्यूटर्स में भी है, सभी कंप्यूटर्स में आपका एल्गोरिथम होता है इस तरीके से कि आप कोई इंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक ऑर्डरली फॉर्म में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे का करता है, वो आपका काम आपका करता है, जो भी आप उसे काम करने के लिए कहते हैं। अगर आप कोई सम उसे दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको करके पूरा करके आपको देगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम ये है कि किसी भी काम करने का जो तरीका है उसे एक सीक्वेंस में करे, स्टेप बाय स्टेप करे, तो यही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम कंप्यूटर में इसीलिए चाहिए कि जो भी आप काम करने के लिए कहते हैं, इंस्ट्रक्शन करने के लिए कहते हैं, और वो आपका काम करके आपको एक वेल मैनर्ड में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको काम करके आपका दे। नेक्स्ट है आपका राइट एनी थ्री रूल्स फॉर द राइटिंग एन एल्गोरिथम। अब हमने लास्ट में इसके एल्गोरिथम भी हमने कुछ पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें जूस निकालना हमने देखा था, और आप हमने एक एल्गोरिथम वो लिखा था जिसमें आपको आपके पापा का फ़ोन यूज़ करना था अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो हमने पढ़े हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे तीन रूल्स आपने लिखने हैं। पहला है आपका, एल्गोरिथम स्टेप्स आर रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले एल्गोरिथम आप जब लिख रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने अपने स्टेप्स को, जो हम स्टेप्स लिखते हैं वो हमने लिखने हैं, ठीक है। टू है आपका, ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम हैज़ अ सीरियल नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 लिखा है ना, इसी तरीके से जब आप स्टेप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हर स्टेप के आगे आपने सीरियल नंबर आपने ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। थर्ड है आपका, एल्गोरिथम स्टेप्स आर रिटन इन द ऑर्डर। और जो आप यहाँ पे जो आप सीरियल नंबर दे रहे हैं, ठीक है, आपको एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं उनको ऑर्डरली आपने लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको बोला जाए कि टूथ ब्रश करने का आप एल्गोरिथम लिखेंगे, आप किस तरीके से टूथ ब्रश करेंगे, तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि मैंने ब्रश मुंह धो दिया पहले ही आपका हो गया। ये नहीं लिखा कि मैंने ब्रश निकाला, ठीक है, ब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया, मैंने ब्रश किया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, अपने एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप ही आपने क्या करना है, लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन आप करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को आप लिखेंगे, और जितना आपको करवाया जा रहा है आप साथ साथ इसको अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए। सो थैंक यू क्लास।